सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आई हूँ, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। जी हाँ, जब मैंने ये मेकअप या आई लुक कह सकते हैं आप ये किया था, तब मैंने ये आईब्रो बनाई थी और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ ये ट्यूटोरियल शेयर करूँ। और ये जो है आई लुक, मैंने इसका भी वीडियो किया है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही ईजी है, तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो और इसके अलावा गिव अवे भी चल रहा है मेरे चैनल पे, तो आप उसमें भी जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो आप देख सकते हैं, ये है मेरा विदाउट मेकअप लुक, जो आपको दिख रहा है कि आईब्रो है बिल्कुल ही खाली है, तो इसको हम भरेंगे इस प्रोडक्ट के द्वारा। एंड ये जो प्रोडक्ट है, ये है वेट एंड वाइल्ड की ब्राउ किट। इसका भी मैंने इंडिविजुअल रिव्यू कर रखा है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसमें से सबसे पहले मैंने पिक किया है डार्क ब्राउन शेड। इसमें दो कलर आते हैं, तो सबसे पहले मैंने ब्रश में डार्क ब्राउन कलर लेकर अपनी आईब्रोज की आउटर लाइन को बनाया है, क्योंकि आगे का पार्ट हम बाद में भी कर लेंगे, यानी हमें पहले पीछे के पार्ट को करना है। आप देख सकते हैं, मैंने नीचे लाइन बनाई एंड देन ऊपर से लाइन लाके बनाई, और बिल्कुल कर्व में बनाई है, कोई भी पीक पॉइंट नहीं दिया। एंड जो रेस्ट बच गया उसमें प्रोडक्ट, उसी से मैंने पूरे आईब्रो को फिल कर दिया, ताकि ये फेक ना लगे। एंड देन अब मैंने क्या किया, दोबारा से पाउडर लिया एंड जो बच गया उसे भी रिफिल कर लिया। एंड आप डिफरेंस देख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, आगे के पॉइंट को लेकर आई एंड उस पर आईब्रो फिल किया एंड बिल्कुल कर्व शेप दे दी, पीक बिल्कुल नहीं रखा। एंड अब मैंने लाइट ब्राउन लेकर आगे की ओर भरना स्टार्ट किया, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से भरा है। एंड देन आगे के बाल जो होते हैं वो ऊपर के डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए मैंने अभी ऊपर की साइड से किया था, और आगे के बाल थोड़े हल्के भी होते हैं तो हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए बिल्कुल हल्के हाथों से मैंने हेयर के डायरेक्शन में ही किया ब्रश। एंड आप देख सकते हैं, और आगे का जो पार्ट होता है वो बहुत ही हल्का होता है, सो आप बालों के डायरेक्शन में ही कीजिए ऑलवेज। और इसको ही मैंने फिर उसी लाइट ब्राउन शेड से इस पूरे को भर दिया। एंड या दैट्स इट। आप देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आगे के बाल बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, यानी इसके द्वारा। एंड देन लास्ट में इसे अच्छे से स्मज कर दिया, ताकि आगे का पार्ट थोड़ा हल्का लगे। एंड देन अच्छे से कॉम कर दिया, ताकि कुछ भी बीच में खाली पार्ट ना रह जाए, क्योंकि वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है देखने में। सो हेयर इज द फाइनल लुक। कैसा लगा है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत ही इजी ट्यूटोरियल बताया है ये, और जो कि बिगनर्स के लिए सबके लिए हेल्पफुल है, और मैं भी बिगनर्स हूँ, तो मैंने जो टिप एंड ट्रिक्स यूज़ की हैं उसको मैंने यहाँ पर शेयर किया है। सो वीडियो आई होप हेल्पफुल ही होगा, तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।